30 सितंबर को करिश्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मंत्री करण देव कम्बोज ने करिश्मा के घर जाकर करिश्मा को सम्मानित किया। करिश्मा गांव घिसरपड़ी की रहने वाली है। करिश्मा आयुष्मान भारत योजना की प्रथम लाभार्थी है। राज्य मंत्री करण देव कम्बोज ने कहा कि करिश्मा का जन्म 15 अगस्त 2018 को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में हुआ था। वह केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना की पहली लाभार्थी बनी थी। उन्होंने कहा कि करिश्मा को 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सम्मानित करेंगे। उन्होंने सौभाग्यशाली बेटी के परिजनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे हलके की एक बेटी जो बिल्कुल छोटी सी 2 दिन की थी, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी जो योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना जो चलाई है, उसकी सबसे पहली बेनिफिशरी भारत की वो हमारे यहाँ की करिश्मा मौसमी की बेटी है। ये घिसरपड़ी गांव की बिल्कुल गरीब परिवार की वो बेटी है, उसको ये जो है ना बेनिफिट मिला है सबसे पहले। और बड़ा अच्छा लगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने उसको सम्मानित करने के लिए अभी दिल्ली बुलाया है 30 तारीख को, और पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया में इंदिरा का नाम जो है इस बेटी की वजह से रोशन होगा, पूरी दुनिया के अंदर जाना जाएगा कि इंदिरा कोई ऐसा स्थान है जहाँ की बेटी को जो पहली बेनिफिशरी है इस योजना की। तो आज मैं उनको भी बधाई देने के लिए आया था और उनसे पूछने के लिए आया था कि जाने की व्यवस्था या कोई दिक्कत हो तो मुझे वो संपर्क कर लें। तो उन्होंने बताया कि सारा प्रबंध हो गया है, सरकारी गाड़ी लेने के लिए आई कि उन लोगों को लेकर के जाएंगे। तो आज मैं उनके घर पर आया था, आकर के अच्छा लगा और उनके घर वालों से मिले, उनसे जो जो बातें उन्होंने बताई उनके पूरा सहयोग करेंगे उस बेटी को पढ़ाने में लिखाने में, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी उनकी मदद करेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया और प्रधानमंत्री जी सम्मानित करने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा काम है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बेटी को बुला करके दिल्ली में उसको सम्मानित करेंगे, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़े गर्व की बात है। आज न्यूज़ के लिए इंद्री से ब्यूरो रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।